मुझे काफी यूजर्स का कमेंट मिल रहा था कि मेरे मोबीक्विक वॉलेट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा ऐड नहीं हो रहा है, और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हम मोबीक्विक वॉलेट और मोबीक्विक मर्चेंट का यूज करके पैसा जो ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में जो सेटलमेंट हो रहा है वो चार्ज लग के हो रहा है। तो ऑल प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोबीक्विक वॉलेट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा ऐड करने के लिए मैं यहाँ मोबीक्विक वॉलेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद ऐड मनी पे क्लिक कर देता हूँ। देन आप जितना मनी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। मैं एग्जांपल के लिए 9500 रुपीज यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरा ऑलरेडी से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेव्ड है। न्यू कार्ड ऐड करने के लिए आप न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड ऐड है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट और CVV डालकर पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रेडिट कार्ड नंबर एंड वीजा का क्रेडिट कार्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और पे नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन मैं बैंक से मिले हुए OTP के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ और इस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 9500 रुपीज ऐड कर लिया है अपने मोबीक्विक वॉलेट में। अब मैं आपको इसको ट्रांसफर भी करके दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। वॉलेट मनी को ट्रांसफर करने के लिए आई होप आप सभी को पता होगा एक मर्चेंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो एक मर्चेंट अकाउंट आप कैसे बना सकते हो इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने एक वीडियो में बता रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपली पे टू मर्चेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है। देन यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देता हूँ। जितना अमाउंट मैंने यहाँ पर वॉलेट में ऐड किया था वो अमाउंट मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो आप ये देख सकते हो मेरा जो वॉलेट मनी था वो ट्रांसफर हो चुका है मेरे मर्चेंट अकाउंट में। नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा, जिसका प्रूफ मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दे दूंगा और साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी आप मैंने आप सभी के सवालों का जवाब दे दिया होगा, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नॉलेज लेते रहिए।